नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में गुरुवार को 6,396 नए कोरोना मामले सामने आने के बाद देश में अब तक के कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,51,556 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 69,897 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को कोरोना संक्रमण से 201 लोगों की जान जाने के बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,14,589 हो गई है। गौरतलब है कि देश में लगातार पिछले 26 दिनों से संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 1,00,000 से कम बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 9वां दिन है। अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देश के साथ पूरा विश्व यूक्रेन की संप्रभुता के साथ खड़ा है, जबकि भारत, चीन और पाकिस्तान तटस्थ बने हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत चुप है तो ये बात दुनिया के लिए मायने नहीं रखती, मगर चीन चुप्पी साधे हुए तो इसका विशेष महत्व है, क्योंकि चीन बरसों से भारत की सीमा और संप्रभुता पर नजर गड़ाकर बैठा हुआ है। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट अपने 8,000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में खास उपलब्धि हासिल की है। विराट छठे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज ये खास उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। विराट ने अपने 100वें मैच में 38वां रन बनाने की ये खास उपलब्धि हासिल की। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की 28 वर्षीय आर प्रिया ने शुक्रवार को चेन्नई के सबसे कम उम्र की और पहली दलित मेयर के रूप में शपथ ली है। तारा चेरियन और कमाक्षी जयरमन के बाद वो चेन्नई के इतिहास में इस पद को संभालने वाली तीसरी महिला भी है। यूक्रेन के स्टेट न्यूक्लियर रेगुलेटरी इंस्पेक्टेटर के अनुसार शुक्रवार तड़के आग लगने के बाद रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर कब्जा कर लिया है। नियामक निकाय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि वर्तमान में ज़ापोरिज़्या परमाणु संयंत्र की साइट पर रूसी संघ के सैन्य बलों का कब्जा है। भारत सरकार द्वारा तत्काल यूक्रेन के शहर खार्कीव को छोड़ने का परामर्श जारी किए जाने के बाद वहां फंसे तमाम छात्र युद्धग्रस्त पूर्वी यूक्रेन से सुरक्षित क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहे हैं। खार्कीव में युद्ध तेज होने के बाद भारत ने बुधवार को अपने लोगों से कहा था कि वो तत्काल शहर से बाहर निकल जाएं, अगर उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़े तब भी। भारतीय रिजर्व बैंक ने असिस्टेंट के 950 पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। उम्मीदवार 8 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेज़निकोव ने जानकारी देते हुए कहा है कि युद्ध के 8 दिनों में रूसी सेना के 9,000 से ज्यादा सैनिक ढेर हो गए हैं। इसके साथ ही यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने कम से कम एक रूसी जनरल को मार डाला है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेज़निकोव ने पोस्ट किया है कि 24 फरवरी से 4 मार्च तक लड़ाई में दुश्मन के कुल 9,166 लोग ढेर हुए हैं। महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी शिवसेना की आय में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में बड़ी गिरावट आई है। पार्टी की आय 2020-21 में घटकर 13.84 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि 2019-20 में पार्टी की आय 111.40 करोड़ थी। इस बात का पता पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में चला है। फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने गुरुवार को अश्नीर ग्रोवर की प्रोफाइल और फोटो को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है, क्योंकि कंपनी ने उन पर उनकी पत्नी माधुरी जैन के साथ कंपनी के फंड के व्यापक हेराफेरी और कंपनी के पैसे का घोर दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वेबसाइट पर अबाउट अस पेज में अब शाश्वत नाकरानी, सह संस्थापक सुहेल समीर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाविक कोलाडिया, एक अन्य सह संस्थापक और निश्चित शर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल है। बिहार विधान परिषद में आज कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने सवाल उठाया कि 5 साल के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। प्रेमचंद मिश्रा ने सवाल पूछा कि प्रशिक्षित कंप्यूटर शिक्षकों को क्यों हटा दिया गया है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का 12वां सीजन 4 मार्च से 3 अप्रैल तक न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है, जिसमें 8 टीम हिस्सा लेती दिखाई दे रही है। गूगल ने एक एनिमेटेड डूडल के साथ आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप को और खास बना दिया है। यदि आप गूगल होम पेज पर आ जाते हैं तो वुमेन्स वर्ल्ड कप सर्च करते हैं तो यहां आपको टूर्नामेंट के बारे में एक पेज खुलकर दिखेगा। फिर आप देख सकेंगे कि क्रिकेट बॉल आपकी स्क्रीन पर बाएं से दाएं चलती है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 11 मार्च को सुनवाई करेगा। निजी विमानन कंपनी गोफर्स्ट का एक विमान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 177 भारतीयों को लेकर शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचा। ये सभी भारतीय नागरिक युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हुए थे। एयरलाइन कंपनी का कहना है कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन गंगा के तहत 10 मार्च तक प्रत्येक दिन 2 उड़ान का संचालन किया जाएगा।
यूक्रेन पर हमले के बाद से पश्चिमी देश के द्वारा रूस के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंधों के तहत रूस के कुछ बैंकों को स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली में भी बाहर कर दिया गया है। बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले का पश्चिमी देश में द्वारा विरोध किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक ने भी यूक्रेन पर रूसी हमले को देखते हुए पश्चिमी देश के द्वारा प्रतिबंधित की गई रूस की संस्थाओं के साथ लेनदेन को बंद कर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपका नाम है तो फिर आपकी मौज आने वाली है। केंद्र सरकार इस योजना से जुड़े लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पीएम 11वीं 2000 रुपए की किश्त खाते में ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई घोषणा तो नहीं की है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा जरूर किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के लिए आज का दिन बेहद खास है और इसे खास नहीं बल्कि ऐतिहासिक कहिए। वो इसलिए क्योंकि आज शुक्रवार को रेलवे ने ट्रेन हादसों को टालने वाली कवच तकनीक का सफल परीक्षण किया है। इस तकनीक से आमने सामने दो ट्रेनों की टक्कर को आसानी से टाला जा सकता है। रेलवे ने शुक्रवार को कवच तकनीक के सफल परीक्षण के दौरान ऐसा करके दिखाया। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में 2023 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी अभी से ही तैयारी कर रही है। तृणमूल कांग्रेस कई राज्यों में अपनी बढ़त बना रही है। अभी मेघालय राज्य में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AIITC आगामी राज्य बजट सत्र में अन्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने की तैयारी कर रही है। ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल ने कहा है कि सभी ऑफिस और व्यापारिक यात्रा करीब 2 साल में से बंद है। ये ऐलान करते वक्त काफी उत्साहित हूं कि हम अपने बिजनेस ट्रैवल और सभी दफ्तर खोलने जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी के घटते मामलों के बीच आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो गई है। दफ्तरों में कामकाज की रफ्तार बढ़ रही है। इस बीच ट्विटर के CEO ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी दफ्तरों को 15 मार्च से खोलने का ऐलान किया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक योजना की शुरुआत की है। व्यापारियों का स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस बनाने के लिए ई कार्ट योजना शुरू की गई है। अब इस योजना के अंतर्गत व्यापारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। IPL ने महेंद्र सिंह धोनी का एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है। इसमें वो रजनीकांत स्टाइल में बस के ड्राइवर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही इसके स्केड्यूल की घोषणा की जाएगी। इस बार इंडियन प्रीमियर लीग में 8 की जगह 10 टीम खेलती हुई नजर आएगी। इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस को शामिल किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। देश के फर्टिलाइजर के लिए अब पहले से अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए पोटाश जरूरी होता है और भारत भारी मात्रा में पोटाश का आयात करता है। रूस और बेलारूस पोटाश के सबसे बड़े निर्यातक है, लेकिन यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के कारण पोटाश की आपूर्ति संकट में पड़ गई है। यूक्रेन भी पोटाश का निर्यात करता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव परिणाम से पहले कुआप ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसका मकसद यूजर को जिम्मेदार ढंग से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए गलत सूचना और फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए संवेदनशील बनाना है। एडवाइजरी के हिस्से के रूप में कुआप ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी 10 भाषाओं में अपने सामुदायिक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हर साल दुनिया के कई दूसरे देश में भारतीय अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए जाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वो कौन से देश हैं जिनको भारतीय अपनी मेडिकल एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जिसमें कई देशों के नाम सामने आए हैं। DSSSB यानी कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा 7 मार्च से 30 मार्च के मध्य आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी उनमें सहायक शिक्षक, प्राथमिक सहायक अभियंता, सुरक्षा पर्यवेक्षक, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1, JEE, प्रयोगशाला परिचारक और बढ़ई शामिल है। उम्मीदवार इन परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी रश्मि शुक्ला की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिनों पहले उनके खिलाफ महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने FIR दर्ज की थी और अब ऐसा ही मिलता जुलता एक और मामला उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि आरोप है कि रश्मि जब SID की चीफ थी तब उन्होंने गलत तरीकों का इस्तेमाल करके कुछ फोन टैप करवाए थे और उनका ये करना गलत है। भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में फरवरी में बेहतर मांग की स्थिति और कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के कारण सुधार देखने को मिला है। एक मासिक सर्वेक्षण के अनुसार बीते महीने इंडेक्स 51.8 हो गया, जो कि इसके पिछले जनवरी महीने की तुलना में कुछ ऊपर है। IHS मार्केट इंडिया के अनुसार फरवरी में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का इंडेक्स बढ़कर 51.8 पर चला गया है, जो कि जनवरी महीने में 51.5 पर था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फ्यूचर समूह के रिटेल स्टोर्स की कमान संभाली तो हजारों कर्मचारी और वेंडर्स ने राहत की सांस ली है। रिलायंस अब इन स्टोर्स की रीब्रांडिंग कर रही है, जिससे वेंडर्स और कर्मचारियों को बेहतर भविष्य की उम्मीद नजर आनी शुरू हो गई है। रिलायंस ने इन स्टोर्स की ऑपरेशनल चार्ज को टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। इन स्टोर्स में हरियाणा और पंजाब के 10 स्टोर भी शामिल है।
बिहार विधानसभा में बजट सत्र का आज पांचवा दिन है। 28 फरवरी को बिहार का बजट पेश किया गया था। आज बजट पर चर्चा हो रही थी। तेजस्वी यादव ने आज सदन में बजट पर चर्चा करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि साल दर साल वही घिसापिटा बजट पेश किया जाता है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान बिहार की तुलना अन्य राज्यों से कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव राज्य के पिछड़े और दलित समुदाय के लाखों लोगों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए है। शाह ने नौवीं रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। शाह ने जहां जोखानिया इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही। अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और कहा कि उनकी पार्टी के फिर से सत्ता में आने पर होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिव्यांशु कुमारी, प्रीतिश कुमार, कुश कुमार यादव, नुन्नु कुमार, दिव्यांशु सिंह, महमूद किंग, अंकित स्टार, सुमन सौरभ, ललिता सिंह, पिंकू दास, टेक शेखर गुप्ता। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव में भारतीय छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।